नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जावेद जी को। समय दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं यूपी विद्यागण स्कूल जो कि प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2019 के लिए ओएमआर सीट कैसे रहेगा, आप लोग को लोग कैसे भरेंगे ओएमआर सीट। आप लोग ओएमआर सीट में बिल्कुल गलती नहीं करना, वरना आप लोगों का इनवैलिड रिजेक्ट हो सकता है ओएमआर सीट। तो आप लोग समझ लीजिए कि इस तरह से आपको ओएमआर सीट भरना है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन लोगों को मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया विद्याज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2019 अभ्यास हेतु उत्तर पत्रिका ओएमआर नमूना। परीक्षा में आपको लगभग ऐसा ही उत्तर पत्रिका दिया जाएगा, इसलिए अभ्यास ठीक से कर ले। यानी कि जो ओएमआर सीट रहेगा सेम इसी तरह से आपको परीक्षा में इसी तरह से ओएमआर सीट दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक भरना है, रोल नंबर, उसके बाद आपको छायाप्रत क्रमांक अथवा वेबसाइट क्रमांक, यानी कि जो आपको पुस्तिका दी जाएगी उसको यहाँ पर नंबर डालना है क्वेश्चन पेपर का, यहाँ पर सेट डालना कि कौन सा सेट आपको क्वेश्चन पेपर मिला है। अब यहाँ पर उत्तर पत्र का संख्या डालना भरना रहेगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट का नाम रहेगा, उसके बाद अपने पिता का नाम डालेंगे, निवासी ग्राम डालेंगे, पोस्ट डालेंगे अपने एरिया का, विकासखंड, तहसील, जनपद, पिन कोड, के बाद अध्ययनरत विद्यालय का नाम रहेगा, यानी कि जो क्लास फाइव तुम जिस स्कूल से क्लास फाइव पढ़े हैं वो स्कूल का नाम डाल लेंगे। जो भी स्कूल से पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल हो या निजी विद्यालय या प्राइवेट स्कूल, उस पर आपको यहाँ पर टिक लगाना रहेगा। संबंधित गोले को भरें। अब यहाँ पर परीक्षा दिनांक, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके क्लास के जो गाड़ी लगा रहेगा वो अपना साइन यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ पर परीक्षार्थी केंद्र की मोहर, यानी कि जिस स्कूल में आपका सेंटर जाएगा वहाँ का मोहर लगेगा। अब यहाँ पर लोगों को यहाँ से ध्यान करना है कि किस तरह से हमारा सीट भरना है। अगर क्वेश्चन दिया गया इसमें आपको ऑप्शन ली रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन का जो आंसर है आपको उसी पर एकदम क्लियर, आपको इनवैलिड नहीं करना है, यानी गोले के अंदर ही आपको गोला लगाना है। जो कि यहाँ पर ऑप्शन जैसे ए करेक्ट है तो आपको ए के अंदर ही पूरी तरह से गोले लगाना है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा, इंट्रेंस एग्जाम में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।